कर्ण अर्जुन मूवी में जो विलन का रोल करते हैं नार सिंह और शमशेर सिंह, वो नार सिंह होता है, वो यहाँ पे इस जगह पे वो पैर रखता है सर। बताओ तब से इंडिया आज़ाद रहा ना 1947 में, उसके बाद इस पर इतना ध्यान वगैरह दिया नहीं गया है भाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी पुरानी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज फाइनली बहुत दिनों बाद मैं लेके आ रहा हूँ एक धांसू सा व्लॉग, क्योंकि गाइस मुझे काफी दिन हो गए थे भाई कोई व्लॉग वगैरह नहीं आया। तो कुछ भाइयों ने मेरी शॉर्ट्स वीडियो पे कमेंट किया था कि गाइस आप मतलब भाई आपका कोई वीडियो वगैरह व्लॉग वगैरह नहीं आ रहा, तो आज आ चुके हैं मेरे साथ है आफाक एंड आजाद भाई। तो फाइनली हम आ चुके हैं आज उस जगह पर जिसको हम कुशालगढ़ के नाम से जानते हैं, और वो हमारे घर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और अगर अलवर से बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और यहाँ पे एक किला है एकदम बहुत शानदार वाला किला, जो कि मुगल के टाइम पे मतलब मुगलों ने बनवाया था, आज से मतलब 200-300 साल की बात पहले की बात होगी। एंड हम ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं, और फिलहाल हम मतलब ऊपर तो गए नहीं, अभी नीचे हैं और दिखाता हूँ मैं बाहर की लोकेशन कैसी है कैसी नहीं है। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये उस साइड है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा उस साइड है वो किला, और फिलहाल हम नीचे ही हैं। यहाँ पे पानी वगैरह भरा रहता है, फिलहाल तो बारिश नहीं है, काफ़ी गर्मी है। और यहाँ पे देख सकते हो ये छोटी सी पहाड़ी, इसमें काफ़ी मतलब पत्थर वगैरह भी अलग ही तरीके, मतलब ब्लैक स्टोन है ना फाक, मतलब यहाँ पत्थर वगैरह कुछ अलग है ना, जानवर पानी वगैरह पीते हैं। हाँ ऐसा ही कुछ है। तो गाइस यहाँ पे जो भी जंगल में मतलब जो जानवर वगैरह रहते हैं यहाँ पे आते हैं शाम को पानी वगैरह पीने, इजीली मतलब पी के चले जाते हैं यहाँ से। तो फाइनली हम जाते हैं ऊपर, तो मैं तो अपने दोस्तों से काफ़ी मतलब बोल रहा था कि वहाँ पे चलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कब बना था वो, और वहाँ पे एक कर्ण अर्जुन मूवी का एक क्लिप भी शूट किया गया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जिसके राकेश जी उसके वो थे डायरेक्टर ऋतिक रोशन के फादर सी। एंड जाते हैं, और हमारे साथ आज़ाद भाई भी, वो भी अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं, उनका भी चैनल है आज़ाद ब्लॉग्स नाम से। तो जाते हैं ऊपर, फिलहाल हमारी बाइक उस साइड है, तो अगर यहाँ से पैदल जाएंगे तो काफ़ी हमको लंबा पड़ जाएगा, तो हम उस साइड से जाते हैं, उस साइड से दूसरे रास्ते से, तो वहाँ से अपन नीचे उधर बाइक वगैरह खड़ी कर देंगे अपन, एंड वहाँ से सीधा निकलेंगे उसके लिए मतलब किला देखने के लिए। तो आप चले ऊपर बाइक लेके वहाँ से। चलो ठीक है गाइस, निकलते हैं फटाक से, हम आपको मिलते हैं सीधा ऊपर। तो फाइनली दोस्तों हमको रास्ता ऊपर जाने के लिए मिल चुका है, हमने अपनी बाइक वगैरह यहाँ पे खड़ी करेंगे, एंड आज़ाद और आफाक भाई हमारे दोनों साथ रहेंगे, एंड आज़ाद भी अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस रास्ते से होते हुए हम ऊपर के लिए जाएंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा कस्बा है, मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, यहाँ से तो इतना अच्छा दिखने वाला नहीं है। और ये भी जो ये घर दिख रहे हैं आपके सामने, ये भी काफ़ी मतलब पुराने लग रहे हैं। आप यहाँ पे ऐसे ही जो यहाँ की जाति है वो गुजरों की जाति है जो यहाँ फिलहाल रहती है। ऊपर से आपको एक अच्छा सा वो दिखाने वाला हूँ मैं नज़ारा, और यहाँ पे ही जस्ट इस मतलब ये वो पॉइंट दिख रहा ना आपको, ये वाला इस पर भी कर्ण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी, तो पीछे बैकग्राउंड उसमें आपको मैं ऊपर क्लिप में लगा दूंगा, तो काफ़ी अच्छा दिखने वाला है वो आपको, बस मेरी वीडियो बने रही है आप सब। तो गाइस फिलहाल तो हमको ये रास्ता दिख रहा है ऊपर जाने के लिए, तो हम इसी से सीधा निकल लेते हैं। आ जाओ क्यों भाई, मेरी तो काफ़ी फट रही भाई, ऊपर बंदर वगैरह हो रहे हैं। ओए ऊपर बंदर हो रहे, बंदर क्या करना है बताओ, बंदर हो रहा। आ जाओ रास्ता इस साइड से है क्या, ओए रास्ता इधर से ही होगा, चलो तो आ जाओ। गाइस ये रफीक आगे चल रहा है, बट इसको रास्ते के बारे में कुछ मालूम नहीं। अच्छा मैं कौन सा मतलब इसमें मतलब आ चुका पहले, तो मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ का। चल वो बात ठीक है तेरी, तू फर्स्ट टाइम आया है, बट तू देखना रास्ता क्या है। सो गाइस फिलहाल हम पहुँच चुके, और देख सकते हैं आप पहला पोर्शन यहाँ का, देखो अभी यहाँ से एंट्री करेंगे, और ये देखो काफ़ी इतना हिस्ट्रिकल है गाइस मतलब। और आपको मैं पहले की एक बात बताता हूँ, पहले भी इतनी वो थी मजबूती, तो अभी भी मतलब उस टाइम पे बना था किला, और अभी भी चल रहा है मतलब, बाहर की इसमें फोल्डिंग वगैरह हटी है इसकी, इतना कुछ नहीं है नुकसान इसमें। अगर इसमें गवर्नमेंट पैसा लगाए तो इसको ठीक करवा सकती है, तो कहाँ से रास्ता, यहीं से रास्ता। ओए भाई मेरे तो फटरे चलना है, तो लग रहा है डर से, बताऊं देख कितना खंडर है इसमें, टेक्निक के बाद इसमें चलना, चल मैं हूं तेरे साथ, चल मर गया तब बता दे। ओए आ रहे हो, चलना आ रहे हैं, आ जाओ। तो गाइस यहां से रास्ता जाना, और ये वाला किला है वो भाई, अंदर पता नहीं, देख लो जो भी आपके सामने मतलब झाड़ी वगैरह ये, और इधर कोई भी नहीं रहता, और रात को यहाँ कोई आता ही नहीं भाई। ये देखो इसमें क्या लिखा है, कुशालगढ़ किला,
ऐसे वो देखो लिखा हुआ कुशालगढ़ का किला, और ये जगह मतलब कुशालगढ़ भी है, कुशालगढ़ में किला स्थित है। और ये क्या है यहाँ पर ये क्या है आपको, ये क्या है ऐसे देख लो कुंडा वगैरह, या मतलब पहले टाइम का था इसमें शायद नानी वानी का है ना। चले ऊपर आजाद, आग मत जाओ, आग मत जा पागल, क्या है। चल इस आपको पास में से रूम वगैरह दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है, मेरे तो काफ़ी फट रही है भाई। चलना आगे, अरे आगे चलना, चुप चुप चुप, गाइस ये काफ़ी डर रहा है। चुप हो जाए एक मिनट। लोगों ने थोड़ा भर रखा है, किले को देखो क्या बना रखा है, रूम वगैरह देखो, ये बातें थोड़ी हैं इनकी, ये आसपास के इधर घर बने हुए हैं उन्होंने, इसको पता नहीं क्या बना रखा है। तो गाइस ये देखिए आप बनावट, देखिए गाइस आप इसकी किस तरह की बनावट है, काफी अच्छा है बट अभी खंडर हो चुका है। यहाँ पे गाइस कोई भी नहीं आता यहाँ पे लगभग तीन। तो अभी मैंने आपको उस साइड का मतलब उस पोर्शन के बारे में बताया था क्या है क्या नहीं है, देख सकते हो आप काफ़ी है, मतलब अभी ऊपर जाने वाला हूँ मैं, उस जगह पे उस एंगल पे मतलब करण अर्जुन मूवी का क्लिप लिया गया था। एंड ये क्या बोलते इसको, ये इधर बीच में खड्डा है एंड चारों तरफ इधर दीवार है। एंड ये भी देखो एक दो तीन मतलब 7-8 रूम है, काफ़ी छोटे रूम तो नहीं बट पता नहीं क्या है जो भी है, काफ़ी मतलब इतने डरावने, यहाँ पे साफ सफाई तो है नहीं बिल्कुल भी तब से मतलब ये किला वगैरह, इसको तो देख सकते हैं काफ़ी मतलब इधर गंदगी है, और ऊपर कोई आता ही नहीं है, आता क्या भी गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देती इस पर साफ़ सफाई भी, अगर इसको अगर इसको साफ़ सफाई की जाए तो इसको अच्छे से रखा जाए तो ये एक घूमने के लायक मतलब घूमने की जगह बन सकती हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टूरिस्ट प्लेस। तो अभी मैं आप ऊपर चलता हूँ, आपको लेके आ जाओ, रोए आ जा। तो गाइस अब चलते हैं ऊपर सीढ़ियाँ पे, ये देखो ये सीढ़ियाँ भी गाइस हट चुके हैं यहाँ से, ये देखो ओए ओए ध्यान से ना, ये सीढ़ी हट चुकी, हटी हुई यहाँ से, आप देख ओए ये देख सीढ़ियाँ यहाँ से सीढ़ी हट चुकी हैं देख अब तो अंदाज़ा लग सकता है कितनी पुरानी, वो देख के ठीक आराम से ना, वो देख के देख आराम से चुप। सो वैसे अब आ चुके हैं हम ऊपर की तरफ, ओए वहाँ जाने के लिए ऊपर जाने के लिए रास्ता कहाँ से भाई, आफक उधर से आ जाओ दोस्तों, चलो बने रहे व्लॉग में। ये क्या है भाई बीच में, आफक नहीं पता नहीं ये देखो गाइस यहाँ पे आसपास के इलाके जो यहाँ पे रहते हैं, स्कूल देखो गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है ये वाली, एंड वो देखो काफ़ी सुंदर घर है, किसका घर है जो भी बंगला है, एंड उस साइड से हमारा घर उस साइड है, एंड उस साइड से वो रास्ता वगैरह निकल रहा है, अगर आप आते हो तो कभी वो सरिस्का के लिए रास्ता निकलता है, और ये भी भाई ये भी नारायणपुर के लिए, एंड हम पहले वहाँ पे गए थे वहाँ पे रुके थे, अगर हम वहाँ से आते तो हमको काफ़ी लंबा टाइम लगता, तो इस वजह से हमने शॉर्ट रास्ता लिया, यहाँ पे नीचे बाइक खड़ी करके हम सीधे ऊपर आ गए, ठीक है चलिए ऊपर रुक जा हमने नहीं बनाया। एंड अब आपको मैं लेके चलता हूँ उस जगह उधर, अगर हमको वो रास्ता मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए तो हम एब्सोल्युटली जाएंगे वहाँ पे, पहले हमको देखना पड़ेगा वहाँ से रास्ता है कि नहीं है, तो निकलते हैं सीधा वहाँ के लिए। इसका नाम पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं, आप बता दो कमेंट में जिसको पता है इसके बारे में, इधर जाते हैं। और भाई ये सीढ़ियाँ तो अलग हो ही चुकी हैं यहाँ से, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुरानी थी भाई, इतनी मतलब इनके केयरिंग वगैरह हुई नहीं, ध्यान वगैरह कोई देता नहीं, तो काफ़ी लंबा समय हो गया इनको। गाइस आज के टाइम पे जो घर बनते हैं वो मतलब 60-70 साल चल जाए वो बहुत बहुत बड़ी बात है, उन्हों में काफ़ी मिस्टेक वगैरह दिखाने लगती, उनको रिपेयर करवाना पड़ जाता है, और ये तो काफ़ी मतलब बहुत पुराने वो है किले वगैरह, आप अंदाजे लगा सकते हो उस टाइम की जो मेहनत थी वो आज के टाइम पे कभी भी नहीं हो सकती, और पहले का तो खान पीन वगैरह भी वो बहुत बहुत फर्क उस चीज़ में भी आ रहा फक मजा आ जा जाओ वही आ जा अंदर चलते वही यहाँ से, ये भी काफ़ी मतलब ऐसा ही है तो हमको अच्छे से ध्यान देकर चलना पड़ेगा, वही यहाँ कूदना पड़ेगा, ओए आजा आजा रास्ता है आजा आजा जल्दी उधर बैठते हैं पे, तुम्हें देख के गए उधर देख उसमें अंदर देख भाई, यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं शायद ऐसा लगता है मुझे तो, बट जाना पड़ेगा अंदर, पहले हम यहाँ से एंट्री, यहाँ पे कबूतर को चुप 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 ओ चुप आवाज आ रही, यहाँ पे कबूतर वगैरह रहते हैं ऐसे,
एंड ये देखो ये उड़ गए, और ये देख सकते हो किस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पे। भाई मुझे तो इतना पता है नहीं इसके बारे में, क्या नहीं क्या है आप देख लो, मैं आपको बता सकता हूँ इधर। और यहाँ पे इस साइड तीन रूम है, मतलब एक तो छोटा वो केबिन सा है, एक साइड भी छोटा केबिन है। मेनली तो दो कमरे यहाँ पे, एक इधर है एक इधर है। और यहाँ पे इसमें ये दरवाजे मतलब ये छोटे मोटे ये निकल रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ इस साइड से। ये देख लो पूरा गांव का गांव बसा हुआ है यहाँ पे, और मतलब बहुत गंदी हालत हो चुकी है यहाँ पे। इधर कोई ध्यान देता नहीं भाई, ये दिखा देता हूँ आपको मैं। बस भाई मैं तो अंदर जा नहीं रहा, जो भी बंदा है घूमने आए अकेले कभी मत आना यहाँ पे घूमने के लिए, आपके दो तीन फ्रेंड्स को लेके आना। ओए आ रहे हो साइड, और इसका पता नहीं भाई ऐसे ही हुआ है। आ जाओ कुछ कुछ अलग कुछ महसूस हो रहा है यहाँ पे? क्या काफ़ी अच्छी हवा चल रही है? हवा तो अच्छी चल रही है, बट कुछ मतलब अंदर से कुछ उल्टा सीधा फील नहीं हो रहा ना, मतलब जैसे कुछ अंदर कुछ वो ना क्या बोलते हैं, मतलब फट रही है मेरी फेर अंदर, बोलते फेर है थोड़ा बहुत। डर है ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है? उस साइड से ना। हाँ उस साइड से चलो चलो। हाँ आपको चलना है? चलो चलो भाई, पहले अपने व्लॉग कंप्लीट करेंगे हम, फिर उसके बाद हम पूरी व्लॉग वगैरह बनानी है। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक आपको बायो मतलब डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, तो निकलना यहाँ से। वैसे ये देखो कितनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं भाई, अगर इसमें कोई मोटा आदमी आ जाए ना तो वो तो फंसना उसका कन्फर्म है। चले ओए अरे आप पहले तो चला गए। अरे भाई क्यों डर रहे हो? मेरी फटती नहीं है, मेरी फटती नहीं है, अगर कुछ हुआ तो पहले आफाक के साथ होगा, मैं भाग जाऊंगा तब। एंड फाइनली हम आ चुके हैं सबसे टॉप पर, किले के टॉप पर। ये देखो काम वगैरह। ये क्या आफाक? गाइस कर्ण अर्जुन मूवी में जो विलन का रोल करते हैं नारसिंह और शमशेर सिंह, जो नारसिंह जी वो नारसिंह होता है वो यहाँ पे मतलब इस जगह पे वो पैर रखता है अपना, इस जगह वो आप वरना आप मैच कर लेना, मैं आपको दिखा दूंगा चीजा जी को पर विश्वास हो सकेगा। ये भी कारण अर्जुन तक पहुंचेंगे कैसे? शमशेर जी शमशेर सिंह उस साइड खड़ा होता है, देखो वो वाली जगह उधर उस साइड। आज तक इतना पान हमारा कभी नहीं हुआ। हाँ शमशेर, ये बेइज्जती का दाग हम मिटा के रहेंगे, मगर कैसे? हो ना हो जो कुछ भी हो रहा है उन कर्ण अर्जुन की वजह से हो रहा है, हम दोनों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है,